और ये अरवी की सब्जी को मैंने गर्मा गर्म भाखरी या पराठा वो चीज़ के साथ भी खाया, तो मैंने ये गुजरात में भाखरी बोलते हैं, ये मैंने भाखरी के साथ सर्व किया है। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। आज ये मैं अरवी की बढ़िया चटाकेदार सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये अरवी को बॉईल करके ले लिया है और अब इसको छीलते हैं। ये अरवी की सूखी चटपटी भाजी बनाने के लिए मैंने अरवी छील के उसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं, और उसके बाद थोड़ी हरी मिर्च ली है, हरी धनिया लिया है, तड़के के लिए राई मेथी जीरा, ये मेरा फिक्स होता है, और मसाले में चुटकी हींग, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये है मेरा स्पेशल मसाला। तो इसको बनाने के लिए मैंने साबुत धनिया, सौंफ, सूखी लाल मिर्च, तज, लौंग, काली मिर्च, इनको हल्का सा भून के और ऐसे दरदरा कूट के रख लिया है। तो ऐसा मैं पीस के रखती हूँ। तो इसको मैं आलू की सूखी भाजी या अरवी की भाजी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कलौंजी, हाँ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो ये मैं इतनी चीज, ये मेरा स्पेशल मसाला है, और नमक तो होना ही चाहिए। तब ये बस, और अब इसको मैं बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है, ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया है, और इसमें मैं ये देसी घी डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो ये मेरा घी गया, और अब इसमें यही राई मेथी जीरा, ये अपने तड़के में डाल देंगे। तड़का क्रैकल होते ही इसमें ये हरी मिर्च है, ये डाल देंगे। हरी मिर्च डाल दें, ये हल्दी, हींग और मिर्ची है जो, ये इसमें डाल देंगे, और इसके जस्ट तुरंत बाद ही अरवी डाल देंगे ताकि मसाला गले लें। ये गई मेरी अरवी। इसके बाद हम इसको नमक डाल देंगे स्वादानुसार, सीज़न कर देंगे नमक से, और इसको एक बार करके चला देंगे, और इसको 2 मिनट तक के होने देंगे। 2 मिनट बाद थोड़ा हो गया है, तब इसमें वो जो मेरा स्पेशल मसाला था वो मैं डाल रही हूँ। और अब इसको, क्योंकि अभी बॉइल की हुई है तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ होना तो है नहीं, और ये है मेरा मसाला गया। अब इसको 5 मिनट एकदम धीमे आँच पे इसको होने देंगे। अब ये मेरी अरवी की सब्जी बनके तैयार हो गई है, और अब इसमें अपने हरी धनिया डालेंगे, और इसको इट्स रेडी फॉर सर्व। अब ये मेरी अरवी की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसको मैंने पुदीने के पत्ते से गार्निश किया है, मुझे पुदीना बहुत पसंद है तो मैं कहीं भी डाल ही देती हूँ। तो ये अरवी की सब्जी आप पूरी, पराठे, रोटी किसी के भी साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो ये तैयार है मेरी अरवी की बढ़िया सी टेस्टी स्पाइसी सूखी सब्जी। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। हैव अ नाइस डे।